रिविया चुगांपा देश के उत्तर पूर्व में पाया जाता है, जहां सभी मिलजुल कर रहते हैं। यहां के लोग भगवान के प्रति असीम आस्था रखते हैं। इस गांव में एक पुराना मंदिर स्थापित है, रामेश्वरनाथ मंदिर। नमस्ते। श्रद्धा और विश्वास ही परमात्मा को प्राप्त करने का आधार है। मन में अगर मैल हो, ध्यान में अगर पाप है, तो क्या इसी मैली चादर ओढ़ कर हम परमात्मा के द्वार पर आ सकते हैं? कदापि नहीं। तो चलिए, श्रद्धा और विश्वास से अलंकृत होकर हमारी इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं रिविया चुगांपा के रामेश्वरनाथ मंदिर के साथ। महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, नवरात्रि या कोई भी पर्व त्योहार हो, मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इस मंदिर का निर्माण वर्षों पहले हुआ था। समय के साथ इसका विस्तार किया गया, किंतु जब हम कार्यकर्ताओं से मिले, उनका कहना था कि जब वहां व्रत कथा का आयोजन होता है तो जगह कम पड़ जाती है, इसलिए सभा के सदस्यों ने एक नए मंदिर के निर्माण की परियोजना पर बात की। हमने के जितना सब पूजा हो रहा, हमने सब को पेगा के सब माम एग्जीक्यूटिव आज जो माम के लोकाजुना सब कही राजा अभी नवा में हमने के नुवो पोजे आवता है एगो नवा मंदिर के निर्माण करेंगे। हमने के जितना देखीला से अब जनता आवेला, मंदिरवा छोटा हो गलवा तो हवे खातिर खोने से एगो मंदिर बनाए के जोन कुमार जा सके एगो अकोमोडेट करे एगो 1000-1200 आदमी भीतरे सब कुछ संगे हमने के अभिषेक नवरात्रि सब आशीष करी है। सब करीला से हमने के सब गाँव के हिंदू समाज के लिए सौ डिस्टिंक्शन और सब कोई मोस्ट वेलकम बा नेपोट कोनो पूजा जोन करीला से। मंदिर के पूर्व सदस्य रह चुके एक बुजुर्ग से बात करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिन्होंने संक्षेप में मंदिर के इतिहास पर प्रकाश डाला। शुरू में जब भी मंदिर बन गया छोटा रही पूजा करे ऐसा तो पीढ़ा पर मूर्ति रख के पूजा होता उस समय के। तो उससे चलते चलते 2 या 3 बरिस में एगो छोटा कलीमा रामेश्वरनाथ नाम हाउ बनल। हमने के एगो फुकासो रहल ओतरी में तो में के चूना से लाल माटी से मंदिर बनल। तो आगे जब पसाद कोलम लोग आल पयाग चेतलाल लक्ष्मण एक बिगड़े करल जब बनावे के कोलोन डाल के फोस बढ़ाई के तो ऐसे आल तो बोले नहीं सकल जाए बोले ढ जाए। तो उसे करते करते लग रहा हुआ दलाल वाला लग रहा हुआ नहीं डाल
कोलोन उलोन और दुर्गा माता के मंदिर नहीं रह रहा ऐसे सब जो देखा तो बाद में बना लो। प्राप्त जानकारियों से हमें ज्ञात हुआ कि जहां शिवलिंग स्थापित है उस हिस्से का निर्माण बहुत पहले हुआ था। तदुपरांत दूसरा भाग निर्मित हुआ जहां भारत से मंगाए गए भव्य मूर्तियां स्थापित की गईं। हिंदुओं के शाक्त संप्रदाय में भगवती दुर्गा को ही पराशक्ति और सर्वोच्च माना जाता है। पुराणों में दुर्गा को आदिशक्ति माना गया है। देवी दुर्गा के नौ रूप होते हैं। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। दूसरे रूप में माँ ब्रह्मचारिणी देवी, इनकी कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। अभय मुद्रा में सिंह पर विराजमान माँ दुर्गा अति शोभायमान प्रतीत होती है। दुष्टों व राक्षसों का संहार हेतु सभी देवताओं ने माँ भगवती को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। खड्ग, धनुष बाण, चक्र, त्रिशूल, गदा, परशु, अंकुश व कमल, यह कोई हथियार तो नहीं है किंतु विजयी होने का प्रतीक अवश्य माना जाता है। शंख को खुशी का प्रतीक भी माना गया है। जगदम्बा का एक हाथ अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए सदैव वर्तमान रहता है। श्वेत वस्त्रधारिणी, वीणा वादन तत्परा, श्वेत पद्मासना, विद्यादायिनी माँ सरस्वती साहित्य कला व संगीत की देवी के रूप में पूजी जाती हैं। उनकी वीणा संगीत की, पुस्तक शिक्षा की तथा हंस का वाहन कला की अभिव्यक्ति है। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो क्षीर सागर में शेषना की शैया पर शयन करते हैं, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार है, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को प्रणाम है। श्री राम की एक झलक भक्तों के युगों युगों के कष्ट हरने के लिए पर्याप्त है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान विष्णु के सातवें अवतार हैं। भगवान एक ही भाषा जानते हैं, प्रेम की भाषा। वासुदेव श्री कृष्ण ने पूरे संसार को
अमर प्रेम का संदेश दिया। साईं बाबा कौन थे, कहां से आए थे या कोई नहीं जानता है, पर साईं नाम की ज्योत मन में जल गई तो मन सब सवालों से परे बस यही मान लेता है कि वे जो भी हों हमें प्रकाश देने आए थे। संतोषी माता हिंदू धर्म में संतोष, सुख, शांति और वैभव की माता के रूप में पूजी जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री हैं। संतोष हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। संतोष ना हो तो इंसान मानसिक और शारीरिक तौर पर बेहद कमजोर हो जाता है। संतोषी माँ हमें संतोष दिला हमारे जीवन में खुशियों का प्रवाह करती हैं। संतोषम परमम सुखम। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कहते हैं गायत्री मंत्र के उच्चारण करने से मन को असीम शांति प्राप्त होती है। खासकर 108 बार आप अवश्य गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। मंदिर के प्रांगण में भैरव देव की मूर्ति स्थापित है। पुराणों में वर्णित है, सती ने जब महादेव के अपमान पर पिता प्रजापति दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ कुंड में प्राण त्याग दिया था, तब भैरव रूप में अवतरित भोलेनाथ सती के शव लिए घूम रहे थे। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई थी। उस समय विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव को खंड खंड कर दिया था। जहां जहां ये खंड गिरे उन जगहों को शक्तिपीठ नाम दिया गया तथा वहां वहां भैरव देव भी स्थापित हैं। ऐसी मान्यता है कि भैरव बाबा की आराधना सच्चे मन से करने वालों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। हिंदू रिवाज के अनुसार नवग्रह को आम तौर पर एकल वर्ग में रखा जाता है, जिसमें सूर्य केंद्र में और अन्य देवता सूर्य के आसपास होते हैं। इनमें से किसी भी देवता का मुख एक दूसरे की तरफ नहीं होता।
सं सनश्चराय नमः ओम सं सनश्चराय नमः। भारतीय संस्कृति में पीपल देव वृक्ष है। इसके सात्विक प्रभाव के स्पर्श से अंतः चेतना पुलकित और प्रफुल्लित होती है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि पीपल के मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्रीहरि और फलों में सभी देवता सदैव निवास करते हैं। पीपल भगवान विष्णु का जीवंत और पूर्णतः मूर्तिमान स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समस्त वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। स्वयं भगवान ने उससे अपनी उपमा देकर पीपल के देवत्व और दिव्यत्व को व्यक्त किया है। शास्त्रों में वर्णित है कि पीपल की सविधि पूजा अर्चना करने से संपूर्ण देवता स्वयं ही पूजित हो जाते हैं। पीपल का वृक्ष लगाने वाले की वंश परंपरा कभी विनष्ट नहीं होती। पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर भक्त हर संकट से दूर रहने की प्रार्थना करते हैं। असतु मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा ममृतं गमय। प्रेम और भक्ति के साथ बोले पीपलेश्वर भगवान की जय। हम रिवेजरों पौ के वासी हैं। हमने रामायण अक्टूबर 1980 से हमने के रामायण दान मिलल रहल नीलकंठ मंदिर के महिला समाज से। तब से हमने हैजा परी एगो महिला समाज के रामायण मंडली बनाई सा। मंदिर के जितना जो सदस्य लोग गांव के जो रामायण मंडली बा, ये लोग सबके साथ कोबे के वाला सा अभी लोग के को आसे के वाला सा। और हमने के मंदिर में कोनो को भागवत या कोनो पूजा के सा मंदिर यहाँ से पूरा भर रहा। वहाँ पर मेरे को सोचा मंदिर है और अगेनों में है ढेर मंदिर जो कार्य कर रहा। हमने के हिंदू के एकता रखे के जमने के हिंदू को भटकी नहीं कैसे कि दूसरा टीचर में चला था जब हम ये सब करते थे। हमने के लड़का लोग के ऐसे हमने के बुजुर्ग लोग कलक हमने कहते आज हमने अपन लड़का लोग के जब लोग के परिवार अपन हाथ में रखी शांत के वो अभिषेक में आनी सिवा कोने वो कार्य पूजा में तो अपन धर्म में रही भटकी नहीं। धार्मिक स्तर पर गुलर के पेड़ का बहुत बड़ा महात्म्य है। साथ ही इनके फल फूल के औषधीय गुण सर्वविदित है। गुलर के पत्ते पंच पल्लवों पीपल आम पाकर गुलर तथा बेर में से एक हैं। बिल्व वृक्ष का धार्मिक महत्व है। कारण यह महादेव का ही रूप है। धार्मिक परंपरा में ऐसी मान्यता है कि बिल्व के वृक्ष के मूल अर्थात जड़ में लिंग रूपी महादेव का वास रहता है। इसीलिए बिल्व के मूल में महादेव का पूजन किया जाता है। इसकी मूल यानी जड़ को सींचा जाता है। इसका धार्मिक महत्व है।
धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है तथा आयुर्वेद के अनेक औषधीय गुणों एवं योगों में बेल का महत्व बताया गया है। पौराणिक ग्रंथों में तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। जहां तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है, वहीं तुलसी पूजन करना मोक्षदायक माना गया है। तुलसी पत्र से पूजा करने से व्रत, यज्ञ, जप, होम, हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। रामेश्वरनाथ मंदिर में पूजा आराधना करने के बाद कुछ ही दूरी में हमने यात्रा की माँ काली और हनुमान मंदिर की। हनुमान जी और माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त कर ऐसा प्रतीत होता है कि आज की हमारी यात्रा सफल हुई।